हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एक्सरसाइज 3D सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 5, 9, 2, 9 एंड 5, 2, 9, देन फाइंड द वैल्यू। तो हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है बाई लॉन्ग डिविजन मेथड से। तो 5, 9, 2, 9 का एक तो इसका आंसर देना है, 5, 2, 9 का एक इसका आंसर देना है और एक इसका आंसर देना। तो तीन आंसर आएंगे यहाँ पर। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, 5, 9, 2, 9 का हम कर रहे हैं लॉन्ग डिविजन मेथड। तो यहाँ पर हमने पेयर बनाया 5, 9 और 2, 9 का। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले देखो, अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँ किसे 7 से, तो ऊपर भी 7 करना पड़ेगा। जो यहाँ नंबर लेंगे वही ऊपर लेना है। तो 7, 7 जा 49, ओके। अब यहाँ पर जो 7 मल्टीप्लाई किया था वही 7 यहाँ पर ऐड करना है। तो 7 प्लस 7 14। अब 59 में से 49 माइनस करो तो यह आ जाएगा 10। अब यहाँ पर 29 उतार लेंगे। अब किससे जाएगा ये, अब ये जाएगा 7 से, किससे जाएगा 7 से। तो 7, 7 जा 49, 7, 7 जा 49 का 9 कैरी 4, 7, 4 जा 28 और 4, 32 कैरी 3, 7, 7 और 3, 10। तो ये पूरी तरीके से डिवाइड होगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5, 5, 9, 2, 9 का आंसर आ गया हमारा 77। एक का आंसर ये आ गया। दूसरा आंसर होगा यहाँ पर हमारा 5, 2, 9 का। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5, 2, 9 यहाँ पर हम करेंगे 2 से। तो 2, 2 जा 4, 2 ऐड कर दो 4 आ गया, 5 में से 4 गया 1 और 29 उतार लेंगे। अब ये किससे जाएगा 3 से। तो 3 यहाँ पर भी ले लो, 3, 3 जा 9, 3, 4 जा 12, पूरी तरीके से कैंसिल होगा। तो दूसरा आंसर आ गया हमारा 23। दो आंसर कंप्लीट होगा। अब हमें क्या करना है, अब इसका निकालना है हमें 5, 9.29 माइनस 5, 9.29। अब ये जाएगा यहाँ पर 5, 9.29 प्लस 5, 5.29 इसका। तो अब यहाँ पर देखो 5, 59.29। तो जब 59.29 का अगर हम करेंगे लॉन्ग डिवीज़न तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 7.7 माइनस, और 5.29 का क्या लिखूँगा मैं, तो ये लिखूँगा 2.3 स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट अलग आएगा, ये रहा, बस यहाँ पर पॉइंट लगा देना है। अब नीचे भी ऐसे हो जाएगा 7.7 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2.3, ठीक है, रूट कैंसिल हो जाएगा इसका। तो अब यहाँ पर जो है सबट्रैक्ट कर दो, 7 में से 3 गए 4 और 7 में से 2 गए 5, तो 5.4 ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा, 7 प्लस 3 10, 7 प्लस 3 10, तो ये हो जाएगा 5.4 upon 10। यहाँ से पॉइंट आ गए, 10 और आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 54 upon 100। तो इसको लिख देंगे 0.54, ओके। दो के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा यहाँ पर, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग मिक्स फ्रैक्शन 5, 0, 6, 4, 25 upon 36। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सॉल्यूशन में लिख लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा तो स्क्वायर रूट लगाएंगे इसमें, 5, 0, 6, 4 की मल्टीप्लाई हमें करना है 36 में। पहले इसमें हमें करना है 36 में मल्टीप्लाई, फिर उसमें 25 ऐड कर देंगे अपन में 36। तो यहाँ हमने लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया इसके, मल्टीप्लाई करके आएगा प्लस 25 इसमें ऐड करना। तो 25 ऐड करेंगे तो आएगा 1, 8, 2, 3, 2, 9 अपन में 36। अब 1, 8, 2, 3, 2, 9 का हमें लॉन्ग डिवीज़न करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पेयर बना लेंगे 18, 23 और 29 का। तो अब यहाँ पर जो जाएगा ये किससे जाएगा 4 से। तो 4, 4 जा 16। अब यहाँ पर हम कर देंगे सबट्रैक्ट इसको, जब सबट्रैक्ट करेंगे तो 4 जो मल्टीप्लाई किया था 4 वही यहाँ पर 4 ऐड करना है इसमें। तो ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस 4 8 और 8 में से 6 गए 2 और 23 हम उतार लेंगे। अब किससे जाएगा ये, अब जाएगा यहाँ 2 से।
तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 164 आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पर 2 ऐड कर दो तो 2 प्लस 2 4 और यहाँ पर आ जाएगा 8। अब सबट्रैक्ट करना है इसमें, यहाँ कितना आ जाएगा 9, यहाँ क्या बचा 11, 11 में से 6 गया 5, 59। अब हम 29 और उतार लेंगे तो अब किससे जाएगा 7 से, तो 7 से यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा पूरी तरीके से 5929। ओके तो ये हो गया हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 182329 का आंसर आ जाएगा हमारा 40427 अपॉन में 36 का। अगर हम यहाँ पर स्क्वायर रूट निकाले तो 36 का क्या हो जाएगा 6 6 36, पूरी तरीके से कैंसिल हो जा रहा है तो इसका आ जाएगा हमारा 6। अब हमें क्या करना है, 6 से इसको करना है डिवाइड, 427 को मिक्स फ्रैक्शन में लाना। तो 4 6 6 7 42 6 7 42 आ गया 7, तो 6 1 6 इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है क्या है रिमाइंडर 1, तो यहाँ पर हम आंसर लिख देंगे 71 1 अपॉन में 6 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके क्वेश्चन नंबर बी है हमारा यहाँ पर 4252 177 अपॉन में 196। तो हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है ये मिक्स फ्रैक्शन में, तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में लाना है। तो 4252 यहाँ पर लिख दिया, स्क्वायर रूट लगाएंगे और 196 में मल्टीप्लाई करना है प्लस 177 ऐड करना है अपॉन में 196 आ जाएगा। तो 196 जब 4252 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 833392 प्लस 177 इसमें ऐड कर देंगे, तो जब ऐड कर देंगे 177 तो ये आ जाएगा 833569 अपॉन में 196 आ गया। अब हमें क्या करना है, इसका हमें करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये आ गया, हमने यहाँ पर 833569 को हम यहाँ पर लिख लेंगे और पेयर बना लेंगे दो दो का, 83 35 और 69, ये हो गया। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें करना है किससे, अगर मैं 8 टाइम्स करूँ तो 8 8 64 होता है, हमें क्या करना है 9 टाइम्स लेंगे तो 9 9 81 हो जाएगा। अब 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो 9 यहाँ पर प्लस कर दोगे, 9 प्लस 9 18 आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ से सबट्रैक्ट कर दोगे, 3 में से 1 गए 2 और 8 में से 8 गए 0, 3 और 5 उतार लेंगे तो अब किससे जाएगा, यहाँ पर 18 हो गया 1 टाइम जाएगा, जब 1 टाइम करेंगे हम यहाँ पर मल्टीप्लाई तो यह आ जाएगा 181, फिर 1 इसमें ऐड कर दो तो 2 ये आ जाएगा 182। अब सबट्रैक्ट करेंगे, 5 में से 1 गए 4 और 13 में से यहाँ पर सबट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 में से 1 गए 4 और यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा 5। अब हम उतार लेंगे 69। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी तरीके से ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 5469। तो हमारा जो स्क्वायर रूट आ गया यहाँ पर, जो स्क्वायर रूट होगा यहाँ पर इसका आ गया 913। अब यहाँ पर देखो, अब 196 का स्क्वायर रूट निकालना है तो 1 से जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 1 होता है, 1 इसमें ऐड करोगे तो 2 आ गया, अब 1 का यहाँ 0 आएगा 96 आ गया। अभी किससे जाएगा, अभी किससे जाएगा 6 से अगर करोगे तो ये जाएगा हमारा किससे 4 से, तो यहाँ पर 4 कर देंगे तो 4 4 16, 4 2 8 और 1 9, तो पूरी तरीके से कैंसिल हो गया। तो स्क्वायर रूट ऑफ 196 क्या बना हमारा, ये आ गया 14। अब 14 से हमें करना है इसको डिवाइड, 913 को 14 से हम कर देंगे डिवाइड। ओके तो जब हम डिवाइड करेंगे इसको तो ये आ जाएगा हमारा 65 3 अपॉन में 7, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर सी हमारा 2033 23 अपॉन में 121। ओके अब यहाँ पर जो है हमारा ये हो जाएगा 2460, अब मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 2033 की मल्टीप्लाई 121 में करेंगे और यहाँ आ जाएगा प्लस का 23। ओके तो ये हो गया हमारा, जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2033 121 तो यह आ जाएगा 245993,
अब 245993 में 23 और ऐड कर देंगे तो ये जाएगा 246016 अपॉन में 121। अब 121 और 246016 का हम निकालेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट। तो यहाँ हम लिख लेंगे 246016 पेयर बना लेंगे दो दो का। अब ये देखो किससे जाएगा, ये 4 से, तो 4 जा 16 होता है, सब्ट्रैक्ट कर दो 4 प्लस 4 8 और यहाँ पर 16 में से 14 में से 6 गए 8 आ जाएगा, 1 में से 1 गए 0। अब हम 60 उतार लेंगे। अब यहाँ पर 4 प्लस 4 8 हो गया, अब किससे जाएगा ये, इससे हमें मल्टीप्लाई करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर 9 से। तो जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से तो ये आ जाएगा हमारा 801 आ जाएगा 801। अब यहाँ पर 9 ऐड कर देंगे, 9 प्लस 9 18 और 8 और 1 9 क्या आ गया। अब यहाँ पर जो है सबट्रैक्ट कर दो, 10 में से 1 गए 9 आ जाएगा, यहाँ पर आ गया 5। अब यहाँ पर उतार लेंगे 16 पेयर उतार लेंगे। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 6 से, तो 6 यहाँ पर भी लेना पड़ेगा, तो 6 से जब करेंगे तो ये पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट हो गया 246016 का 496 अपॉन में इसका 121 का हो गया 11। अब इससे हमें क्या करना है, डिवाइड। तो 11 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे इस तरीके से 496, तो 11 5 45 और 9 में से 5 गए 4 और ये जो है 6 वो 6 उतार लेंगे। ओके, अब किससे जाएगा, 11 4 44 आएगा यहाँ पर और 9 में से 4 गए 5, यहाँ आएगा 5, तो 11 5 55 आ जाएगा, 6 में से 5 गया 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा 45 1 अपॉन में 11 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर डी है हमारे यहाँ पर 1 1 7 5 25 अपॉन में 49। अब हमें 1 1 7 5 के 49 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 57 575 प्लस 25 और इसमें ऐड कर देंगे तो 576 00 अपॉन में 49 आ जाएगा। अब देखो 49 का मैंने यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन से स्क्वायर रूट निकाला, तो 7 7 49 आंसर क्या आ गया इसका, 7 आ गया, तो हमने नीचे लिख दिया 7। अब हम यहाँ पर करेंगे 576 00 का स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन से, तो ये किससे जाएगा। अब यहाँ पर देखो 5 का पेयर बनाया, 76 का अलग और 00 का, तो यहाँ जाएगा 2 से, तो 2 2 4 2 ऐड कर दोगे इसमें 4 आ गया, अब 5 में से 4 गए 1 और 76 आ जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पर किससे करना है, यहाँ करेंगे हम 4 से, तो ऊपर भी 4 लिखना पड़ेगा, तो 4 4 जा 16 और 1 17, तो पूरी तरीके से कैंसिल हो गया और ये एक 0 यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, यहाँ एक 0 से ले लेंगे, यहाँ पर पूरी तरीके से 0 0 आ जाएगा पूरा सॉल्व होके, तो हमारा आ गया यहाँ पर जब 576 00 मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 यानी 240 को अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 576 00 आएगा, तो 240 अपन में 7 आ गया। अब हमें क्या करना है, 7 से 24 को कर देना है 240 को डिवाइड, तो 7 3 जा 21, अब यहाँ आ जाएगा 4 में से 1 गए 3 और 7 4 जा 28, तो 10 में से 8 गए 2, तो अब इसका आंसर जो आएगा हमारा 34 2 अपॉन में 7, ये हो गया फाइनल आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर ई है हमारा यहाँ पर 4 9 2 21 अपॉन में 25। ओके, तो इसको हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है, 4 9 2 5 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 0 0 और फिर प्लस 21 कर देंगे, तो इसमें आ जाएगा 1 2 3 2 1 21 अपॉन में 25 इक्वल टू, अब देखो 25 का मैंने स्क्वायर रूट निकाला, तो 5 5 जा 25, तो यहाँ पर क्या आ गया 5। अब इसका अगर हम निकालेंगे 1 2 3 2 1 का स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा हमारा 1 1 1, ये 1 टाइम करेंगे 1 मल्टीप्लाई 1 1 तो यहाँ पर 0 आ गया, 23 उतार लेंगे तो 21 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा, फिर 3 में से 1 गए 2, फिर 21 उतार लेंगे, फिर 1 से करेंगे तो 2 2 1 पूरी तरीके से कैंसिल हो जा रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 1 1। अब हमें क्या करना है, अब 5 से हमें इसको कर देना है डिवाइड, तो 5 2 जा 10 फिर क्या बचेगा, 5 2 जा 10 और 1 अपॉन में 5, ये हो जाएगा हमारा
फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर ई का। क्वेश्चन नंबर एफ है हमारे यहाँ पर 5 6 8 108 अपन 169, तो स्क्वायर रूट निकालना है, तो 5 6 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे 169 प्लस 108 ऐड करना है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 95992 प्लस 108 अपॉन में 169 आ जाएगा। 169 इसमें ऐड कर दो तो 108 ऐड कर देंगे तो 96100 अपन में 169 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, इससे हम कर देंगे यहाँ पर इसका 169 का लॉन्ग डिवीजन, तो 1 से जाएगा 1 1 से 1, फिर 69 उतार लेंगे 1 प्लस 1 2 और 3 से, तो 13 आ गया, 69 पूरी तरीके से कैंसिल हो गया, तो नीचे क्या आ रहा है हमारा आंसर आ गया, इसका रूट हट जाएगा 169 का 13 हो गया। अब इसी तरीके से हम करेंगे 96100 का स्क्वायर रूट, तो अब यहाँ पर देखो पेयर बना लो, यहाँ पर किससे जा रहा है, ये 3 से चला जाएगा, तो 3 3 9, 3 ऐड कर देंगे इसमें तो 6 आएगा, 9 में से 9 का 0 और 61 उतार लेंगे, तो ये 1 टाइम जा रहा है, यहाँ पर 0 उतार लेंगे, तो ये पूरी तरीके से चले जाएगा, यहाँ पर ये आ गया, ये हो गया हमारा आंसर। तो इसका जो आंसर आया वो 310 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 96100 का क्या है, 310 अपॉन में 13। तो अब यहाँ पर हमें 13 से क्या करना है, इसको कर देना है डिवाइड, तो 13 2 26, यहाँ आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 13 3 39, तो 10 में से 9 गए 1 और 1 में 4 में से 1 गए 4 में से 3 गए 1, तो ये इसका आंसर आएगा 23 11 अपॉन में 13। ओके, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। आई होप क्वेश्चन नंबर 6 और 7 अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।